सागर में दिनांक 2 जून को सुबह लगभग 8:30 बजे बीएमसी चौकी में सूचना मिली कि बीएमसी हॉस्पिटल में भर्ती महिला की नवजात शिशु का अपहरण कर कोई महिला उठा कर ली गई है। सूचना कंट्रोल रूम को मिलते ही सागर पुलिस द्वारा प्रकरण को अत्यंत गंभीरता से लेते हुए तुरंत शहर के थाना में उपस्थित समस्त बल, सभी चीता मोबाइल, समस्त डायल 100 को चेकिंग पर लगवा कर निर्देशित किया गया। अपहरणकर्ता महिला के बच्चे को उठाकर ले जाने के सभी संभावित रास्तों में पुलिस बल भेजा गया। सागर पुलिस के 100 से अधिक पुलिसकर्मी एक ही उद्देश्य में लग गए कि किसी भी तरह नवजात शिशु को सही सलामत खोजना है। सागर पुलिस के जवानों के 1 घंटे के अथक प्रयासों ने सुगत परिणाम लिया। नए बस स्टैंड राजघाट रोड पर चेकिंग में गए गोपालगंज पुलिस से चीता मोबाइल में लगे आरक्षक पुष्पेंद्र सिंह ठाकुर और आरक्षक अमन सरयाम को एक महिला नवजात बच्चे को गोदी में लिए मिली। शक होने पर इस महिला को रुकवाया गया और महिला अधिकारियों के साथ अन्य अधिकारियों को बस स्टैंड भेजकर बच्चे की तस्दीक करवाई गई, तो बच्चा वही निकला जिसका बीएमसी अस्पताल से अपहरण किया गया था। सुबह सुबह लगभग 8:30 बजे ये सागर शहर का मामला है। बीएमसी से एक नवजात शिशु जो सिर्फ 4 दिन का था उसके अपहरण होने की सूचना पुलिस को प्राप्त हुई थी। थाना गोपालगंज क्षेत्र में क्योंकि अस्पताल पड़ता है तो थाना गोपालगंज क्षेत्र के सभी अधिकारियों को, परंतु साथ ही साथ सागर शहर में जितने भी थाने हैं पूरे 7 थाने के अधिकारियों को तत्काल सूचित किया गया। कंट्रोल रूम के माध्यम से मीडिया के सभी ग्रुप्स में अलर्ट दिया गया। सोशल मीडिया में मीडिया के बंधुओं ने तत्काल मदद करते हुए सभी ग्रुप्स में उसको फैलाया और पूरा पुलिस फोर्स लगभग 10 से 15 मिनट में एक्टिव मोड में आ गया था। साथ ही साथ जो शहर में जितनी भी हमारी चीता मोबाइल है, 100 डायल के हमारे मोबाइल्स हैं, सभी एक्टिव हो गए थे। इस तरह से लगभग 100 से 150 पुलिसकर्मी एक्टिव हो गए और संभावित स्थान जैसे जाने के रास्ते, भागने के रास्ते, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और जो ऑटो स्टैंड्स हैं, सभी जगह इन लोगों ने जाके चेकिंग करना शुरू किया और इसमें लगभग 1.25 घंटे की मेहनत जो रंग लाई और सभी लोगों का इसमें जो कोऑर्डिनेटेड एफर्ट था उससे वो बच्चा सही सलामत मिला। साथ ही साथ जो बच्चे को जिस अपराधी महिला ने अपहरण किया था उसको भी मौके से गिरफ्तार किया गया, जिसके पास से ही बच्चा मिला। इसमें उल्लेखनीय बात यह भी है कि महिला ने जब बच्चे का अपहरण किया उस समय वो जो कपड़े पहनी हुई थी अपनी पहचान को छुपाने के लिए उसने रास्ते में एक जगह वो कपड़े भी चेंज कर दिए, जिससे कि एकाएक वो पहचान में ना आ पाए या कोई भी व्यक्ति उसको देख के पकड़ ना सके। परंतु इसके बावजूद भी सबकी सतर्कता से और जो पुलिसकर्मी हैं जो मौके पर बच्चे को ढूंढ रहे थे उनकी सजगता से बच्चे को 1 घंटे के अंदर ढूंढा गया। और इस बात की खुशी है कि आप सभी के मीडिया कर्मियों के प्रयास से, सागर पुलिस के प्रयास से उस बच्चे को सही सलामत परिवार को पहुंचाया गया। बच्चा सही सलामत है और डॉक्टर उसकी देखभाल कर रहे हैं, उन्होंने चेकअप भी किया, बच्चा अभी हेल्दी है। और हम लोग इस गंभीर मामले में FIR दर्ज कर रहे हैं। साथ ही साथ जो आरोपी महिला है उसको भी गिरफ्तार किया गया और उससे पूछताछ चल रही है कि हो सकता है कि उसका कोई साथ और साथी हो, कोई गिरोह हो या ऐसे अन्य किसी मामले में उसकी कोई भूमिका रही हो। इन सभी पहलुओं पर विवेचना की जा रही है। EMS TV के लिए सागर से संवाददाता की रिपोर्ट।